टीच फॉर ईच संस्थान के द्वारा गर्ल्स मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय रीवा से किया गया। यह मैराथन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक निर्धारित की गई थी, जिसमें विंध की 700 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का प्रथम पुरस्कार कटनी से आई राजकुमारी ने जीता। प्रथम विजेता छात्रा ने बताया कि वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुकी है और जो पुरस्कार मिलता है उससे वह कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस संस्था का उद्देश्य कॉलेज स्कूल से निकलकर कलेक्ट्रेट तक छात्राओं को पहुंचाना और छात्राओं को प्रोत्साहित करना है। आइए आपको सुनाते हैं प्रथम पुरस्कार पाने वाली छात्रा और संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश पटेल ने क्या जानकारी दी है। फर्स्ट नंबर राजकुमारी नहीं मिल रही है। राजकुमारी आ जाओ, राजकुमारी आ जाओ। अभी रुकी है, टिक लगा दी जाए। नेहा मिश्रा भैया, भैया भैया पीछे साइड नहीं। पांचों टोकन अपने पास रखिएगा, सभी लोग लास्ट तक। जब तक यहाँ से इस मैराथन में फर्स्ट आई हैं जी, जहाँ से आपको बीस की हरियाणा मिली है, इस तरह की ट्रेनिंग ली है। सर मैं खुद से ही भोपाल में ट्रेनिंग करती हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हूँ। अभी मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो ये मैराथन वगैरह का खेल के प्राइज मनी की इकट्ठा करती हूँ पैसा, फिर नेशनल वगैरह, और ये सोच रही हूँ कि देश को रिप्रेजेंट करूँ। तो सब जगह मैं मैराथन वगैरह जैसे 20-25 हज़ार की होती है तो मैं खेलने जाती हूँ। तो इसी प्रकार से मैं अपना पैसा इकट्ठा करके नेशनल वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक कितने मेडल जीती हैं? नेशनल में 10-15 पार्टिसिपेट कर चुकी नेशनल में, स्टेट में 20-25 मेडल होंगे मेरे गोल्ड। हाँ सर, तो यही कहाँ गई है इसको मैराथन वगैरह नेशनली मेरे 15-20 है, और मैराथन वगैरह तो मैं 42 करती हूँ मैराथन। तो कई जगह खेली हूँ, जैसे कि इंदौर मैराथन होती है उसमें फर्स्ट प्राइज था 2020 में, और अहमदाबाद में भी अदानी मैराथन, बहुत सारी है ऐसी, गुड़गांव। हाँ सर है, मगर हो नहीं पा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? कटनी। सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात इसको कवर करने के लिए। दूसरा ये कि बच्चे बहुत दूर दराज से आए हैं, हम तो सोच रहे रीवा संभाग के बच्चे बस रहेंगे, पर इसमें कटनी जबलपुर तक से, जबलपुर संभाग तक के बच्चे आए हैं इसमें दौड़ने के लिए। शहडोल संभाग से बच्चे आए हैं, शहडोल से भी बच्चियाँ आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि बेटियाँ अवेयर हों अपनी शिक्षा के लिए, वो खुद अवेयर हों, और वो कभी ये ना समझें कि हम उन्हें कुछ दें। हम ये चाहते हैं वो ये, हम उनसे कुछ छीने नहीं, हम उनसे उनका बचपन नहीं छीने, हम उनसे उसका स्कूल नहीं छीने, हम उनके उनकी आज़ादी नहीं छीने, उनके जीने की आज़ादी, उनके खाने की आज़ादी, उनके चलने की आज़ादी, उनके रहने की आज़ादी। तो एक तरह की ये मैराथन जो है एक मैसेज है हमारी तरफ से समाज के लिए, और बेटियों की तरफ से जो जिन्हें मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। 700 बच्चियाँ आई हैं, पहले हमने 500 का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उसके बाद मुझे पता चला रजिस्ट्रेशन जो है एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो हमें फिर 200 टी शर्ट कल रात में बनवानी पड़ी। मतलब रात भर रह के कल हमने टी शर्ट बनवाई 200 और की कम न पड़ जाए बेटियों को। तो कह रहे हैं मतलब इतना जोश उत्साह देखने को मिलता है, और सोचिए 7.5 किलोमीटर से ज़्यादा की रन है ये, और बेटियाँ दौड़ रही हैं। हमें खुशी इस बात की है कि उनने पार्टिसिपेट किया बहुत दूर दराज से आकर, और ये मैसेज दिया है समाज को कि वो उनमें बहुत स्टेमिना है, उन्हें बहुत काबिलियत है, बस उन्हें मौका, मतलब हम उनसे उनका मौका नहीं छीने, अगर हम उन्हें वाकई उन्हें मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे देश के लिए बेहतरीन करेंगे। कितने सालों से हो रहा है?
मैराथन दौड़ पिछले करीब 6 सालों से हो रहा था, लेकिन बीच में 2 साल कोविड की वजह से नहीं हो सका था, इसलिए इस साल वापस से हमने इसे रिज्यूम किया है। और इस साल पहले हर साल लगभग 500 ही बच्चियाँ हो गई थी, पर इस साल 2 साल बाद हुआ है तो काफ़ी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत दूर दराज से बच्चियाँ गाँव तक से आई हैं, मतलब रात से आ गई कुछ बच्चियाँ यहाँ पे, जो गाँव की थी उनके पास साधन नहीं था सुबह सुबह आने के लिए 6 बजे, तो रात से ही आके यहाँ पर रुकी हुई थी। और चालू हुआ था प्रोग्राम सुबह वहाँ से 6 बजे बच्चियाँ आना इकट्ठा होना शुरू किया था, हमने 7:15 बजे वहाँ से उसको हरी झंडी दिखाई थी। पुरस्कार भी कुछ रखा है सर? पुरस्कार रखा है, इसमें पहला पुरस्कार जो है 10,000 रुपये है, दूसरा पुरस्कार 5,000 रुपये, तीसरा 3,000 रुपये और चौथे से लेकर 10वीं तक का 1,000 रुपये है और 11वीं से 20 तक का 500 रुपये उसका। उसके अलावा सभी बच्चों के लिए टी शर्ट हमने प्रोवाइड कराई है, सभी के लिए नाश्ता, रास्ते में जो फ्रूट्स और पानी फ्रूटी वगैरह उनको प्रोवाइड कराया, सभी के लिए सर्टिफिकेट्स हैं और सभी बेटियों के लिए टीच ट्वीच का एक पैड और एक मैसेज है हमारी तरफ से, वो उनको फ्री मिलेगा। दौड़ का आयोजन सर APS यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक का है और ये करीब 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल जो बेटियां तय कर रही हैं, और हमारा सीधा सा मैसेज ये था कि बेटियां APS यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वो कलेक्टर बन सकती हैं। थैंक यू।